सो गाइज वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैदा के कुलचे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो समथिंग मैदा और मैंने लिए बॉयल किए हुए आलू और दूध लिया है जो इंस्टेंट मैं दही बनाऊंगी। और ले लेंगे एक कप गुनगुना दूध, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। और इस दूध में डालेंगे, एक कटोरी में पलट लेंगे और पलटने के बाद लेंगे विनेगर। और विनेगर से आप फटाफट इंस्टेंट दही बना सकते हैं और इस तरीके से आप परफेक्ट, आपको बगैर दही के आप नान बना सकते हैं या कुलचे बना सकते हैं। इस तरीके से आप इंस्टेंट और दही बनकर तैयार हो गया है और परफेक्ट दही फट गया है। इस तरीके से छेना बनकर तैयार हो गया है। चलिए लीजिए मैदा मैंने ले लिया। मैदे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, चीनी 1 टीस्पून और डालेंगे सोडा, खाने वाला आप चाहें तो इनो ले सकते हैं। और इसमें ऑयल 2-5 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है। और मीठा सोडा आप थोड़ा सा ले सकते हैं। और जो मैंने इंस्टेंट दही बनाया है उससे डो को तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार आप परफेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो डो में परफेक्ट इंस्टेंट दही नहीं हो पा रहा है तो आप अगर दही थोड़ा सा और है तो डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। वरना आप थोड़ा पानी लगाकर इस तरीके से डो परफेक्ट तैयार कर लीजिए, जैसे पराठे का डो तैयार करते हैं। इसी तरीके से आप पराठे जैसा डो सॉफ्ट बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसको रख देंगे ढककर समथिंग 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए जब तक कि ये रखा हुआ है तब तक आलू बॉयल किए हुए हैं जो कद्दूकस से, इस तरीके से सारे आलू कद्दूकस कर लेंगे। और लीजिए कद्दूकस कर लिया, इसमें डालेंगे नमक, दही, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, और चाहे तो आप विनेगर थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें, नहीं तो आप जो पाउडर डाल दीजिए जो भी अवेलेबल आपके पास हो। इस तरीके से आप अंदर का जो मसालेदार भरता है इस तरीके से आप भरता बना सकते हैं। परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। और इसमें हल्का सा गरम मसाला भी डाला है, हींग डाली है। और ले लीजिए डो मैंने अच्छे से तैयार जो किया था, इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगा कर और इसको अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है और ये फूल गया है, फूले फूले बनेंगे अब ये कुलचे, तो ये सॉफ्ट भी हो गया है। और सूखा मैदा रख लेंगे, बेलने में आसानी होगी। डो परफेक्ट तैयार हो गया है। आलू का भरता लीजिए, मैं बनाऊंगी तवे पर, मैंने गाय के लिए बनाई है छोटा सा कुलचा। और अपने चपा बेलन ले लेंगे, चपा बेलन में एक आलू के बराबर की लोई, जो पराठा बनाते हैं उस टाइप की लोई तोड़ लेंगे। और इस तरीके से चके पे रखेंगे, सूखा मैदा डालेंगे और इसी तरीके से थोड़ा बेलने के बाद मोमोज की तरीके इसमें जैसे आलू की कचौड़ी भरते हैं इस तरीके से गोल गोल करके भर लेंगे। और इस तरीके जो भी शेप देना चाहें आप कुलचे का, लंबा या गोल, जो भी शेप देना चाहें वो इस तरीके से आप बेल सकते हैं। फटाफट बेलने के बाद मैंने थोड़े से लंबे आकार में, अंडे आकार में बेला है। और इस तरीके से थोड़ा सा गोल लीजिए, कुलचा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब कुलचे में चिपकाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगाकर इसमें लगाएंगे काला तिल और हरा धनिया। और इस तरीके से कुलचा आपका परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से काले तिल और लगाने के बाद इस तरीके से हाथेली से थपा देंगे, परफेक्ट कुलचा बेल गया है। अब गर्म तवे में डाल देंगे, तवे की गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे और फिर बाद में लो फ्लेम पर कर देंगे। इसमें डालेंगे घी, इधर पलटेंगे और इधर भी पलटेंगे थोड़ा सा घी लगाकर। इस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये फूल गया है, फूले फूले कुलचे बनकर तैयार हो गए और इस तरीके से परफेक्ट सिक गया है। आप सर्व कर सकते हैं, छोले के साथ खाइएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने छोले बनाए थे, तो छोले की वीडियो मैंने नहीं डाली, अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूँगी दोबारा से। इस तरीके से आप छोला के साथ खाइएगा कुलचे। और कुलचे बनने हैं दूसरी तरीके से, मैं कुलचा बनाकर दिखा रही हूँ। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, तो इस तरीके से आप नान बना सकते हैं। तो मैंने इसमें घी लगाया है और लगाने के बाद इसको लंबे आकार में बेल देंगे, चाहे तो गोल शेप में बेल लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से बेलने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, काले तिल इस तरीके से चिपका देंगे। इस तरीके से आप नान बना सकते हैं। तो तवा ऑलरेडी गर्म है और इसमें ऑयल में नहीं लगाया है तवे में, तो इस तरीके से आप सूखा बना सकते हैं और ऊपर से देसी घी लगाकर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है कुलचा। इस तरीके से आप गैस बना सकते हैं और थोड़ा सा घी लगाया है दोनों तरफ बराबर मात्रा में, और इस तरीके से चारों तरफ दबा कर कुलचा परफेक्ट बना सकते हैं। और सब चूँकि मैदे का है इसलिए थोड़ा सा लो फ्लेम पर ही सेकना पड़ेगा, नहीं तो ये कच्चा होगा तो पेट में दर्द होगा और नुकसान करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट कुलचे बनकर तैयार हो गए, तो इतने फूले फूले बने हैं और इतने सॉफ्ट लग रहे हैं, कुछ कहने के नहीं कि आप सब खाएंगे तो बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, ऐसा आप कौन सी जगह से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।